Never miss a prediction videos. Channel subscribe करके bell icon press करें and stay updated for latest videos. गुरु सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज चले। आज का पावन त्योहार व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा। आज महर्षि व्यास का जन्मदिन है। 24 द्वापर युग बीतने से पहले महर्षि व्यास जिनका जन्म हुआ, उसके बाद 24 द्वापर बीते तो जाकर 24 द्वापरों में अनेक देवी देवताओं के रूप में महर्षि व्यास ने जन्म लिया। और एक द्वापर ऐसा था जिस द्वापर में महर्षि व्यास ने भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दिया। ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें गुरु अपनी महिमा दिखाते हैं। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। आज गुरु का दिन है, गुरु की महिमा का दिन है, गुरु के आशीर्वाद का दिन है। और आप सबसे अनुरोध है कि चमत्कार में गुरु मत ढूंढिए। जब आप चमत्कार में गुरु ढूंढते हैं तो फिर आपके हाथ निराशा ज्यादा लगती है। और गुरु को पहचानना भी बहुत अनिवार्य है। आंखें बंद करके, वो जमाना था जब आप आंखें बंद करके किसी को गुरु बना लेते थे, बड़ा भाई बना लेते थे, किसी का आशीर्वाद दे लेते थे। मगर समय बहुत बदल गया है, हम कलयुग की घोर कड़ी में चल रहे हैं। किसी गुरु के माध्यम से 127 लोग मर जाते हैं, कुछ लोग कुछ गुरु जेलों में लटके हुए हैं, कुछ गुरुओं ने गुरु परंपरा का अपमान किया। इसलिए आप अपने गुरु को अपने मन में बिठाने से पहले उसको परख दे। मन आपका सबसे बड़ा गुरु है। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और जिस दिन कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं गयो बुरा ना मिलो कोई, जो मन खोजे हो अपना मुझसे बुरा ना हो। जिस दिन आप अपने आप अपने मन की बुराई को समझने लग जाते हैं तो वो अच्छाई में परिवर्तित हो जाते हैं। When you start feeling that everything is positive in your life, negativity अपने आप भागने लग जाती है। आज से कई बरस पहले जब मैं गोरेगांव रहने गया तो मेरे एक मित्र बने, उनका नाम था ऋषिकेश सेन गुप्ता। मुझे गुरु भी मानते हैं और भाई जैसे रिलेशन भी हैं। भारत के ही नहीं विश्व के बहुत विख्यात वॉइस आर्टिस्ट हैं, हरीश निमानी हो या बड़े बड़े कलाकार जो हैं उनके मित्र हैं, समकक्ष हैं। और आज उनका नाम भी सितारे की तरह पूरे आसमान में छाया हुआ है। सुबह सुबह उन्होंने गुरु की महिमा के ऊपर मुझे एक बहुत ही सुंदर वॉइस मैसेज भेजा जो बहुत ही चमत्कारी था और बहुत ही अच्छा लगा। आज मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, बाल जरूर सफ़ेद हो गए हैं मगर ज्ञान कम नहीं हुआ। कहते हैं बाल सफ़ेद होने से ज्ञान और बढ़ जाता है, परिपक्व हो जाता है। मगर बच्चे से भी कभी कभी आप ज्ञान ले लेते हैं, इसलिए उम्र का ज्ञान का कोई बहुत बड़ा तालमेल नहीं है। हम कभी कभी अपने बच्चे से भी वो सीख लेते हैं जो हम बड़ों से नहीं सीख सकते। मगर सही मायनों में ये ज्ञानी है और धूप में बाल सफेद नहीं हुए, ये मैं इनका समकक्ष हूँ। आई एम ए विटनेस टू हिज नॉलेज। और इनकी आवाज के तो पूरी दुनिया कायल है। अभी मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि चंद शब्द, क्योंकि गुरु पूर्णिमा शुरू कराने का श्रेय, गुरु पूर्णिमा शुरू कराने का श्रेय ऋषिकेश सेन गुप्ता को जाता है। जोरदार तालियां बजेंगी। साईं में मुझे 33 करोड़ देवता दिखाई देते हैं और साईं जिधर खड़े हो जाते हैं ये समझ लीजिए कि वो मेरे साथ बैठे होते हैं। मैं हजारों लाखों ऐसी भविष्यवाणियां कर जाता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, जो मैंने बोली ही नहीं होती, इन्होंने बोली होती है और मैं सिर्फ मुंह हिला देता हूँ।
कृपा इतनी होती है मेरे साईं के लिए, एक बार जोरदार तालियां मारो। आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, एक एंकर मुझे पूछती है कि आपकी सब भविष्यवाणियां सत्य कैसे होती है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ऐसा है कि मेरे बाजू में साईं बैठे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में श्याम बाबा बैठे हैं और सामने मेरे अजमेर शरीफ बैठे हैं, मैं तो इनका कायल हूँ, ये मेरी भविष्यवाणी अगर गलत होगी तो मैं तो इनको पकड़ लूंगा। क्योंकि जब आप भगवान को या अपने गुरु को मित्र मान लेते हो तो वो आपके साथ खड़े होता है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, घंटे बजाने से गुरु नहीं मिलता, मन के किबाड़ खोलने से गुरु मिलता है। इसलिए मन के किबाड़ प्रार्थना से खुलते हैं, प्रार्थना सच्चे मन से होती है, तभी जाकर गुरु मिलता है। और गुरु जब मिल जाता है तो फिर भगवान अपने आप आपके नजदीक आकर खड़े हो जाते हैं। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, बहुत बहुत आशीर्वाद। साईं के दर्शन करने के बाद फिर आप यहाँ पर आके सुरक्षा का डोरा बंधवाएं, तिलक लगवाएं, क्योंकि तिलक लगवाने से आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है। हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि तिलक क्यों लगवाते हैं। तिलक लगवाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। ये आज्ञा चक्र है, ये विशुद्धि चक्र है, ये हृदय चक्र है, ये सहस्रार चक्र है, नव चक्र है। आज्ञा चक्र पे जब आप सिंदूर लगाते हैं या चंदन का टीका लगाते हैं, कोई तो मंत्र है, सिंदूरम सुशोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम सर्व मनोकामना सिद्धि पूर्णम भवतु। आपकी आधी बीमारियां यहाँ पे तिलक लगाने मात्र से दुरुस्त हो जाती है। जब आप तिलक लगाते हैं या मस्तक नीचे झुकाकर प्रभु के दर्शन करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो आप ये समझ लो कि आपके शरीर की आधी तरंगे पॉजिटिव हो जाती है। जब आप किसी को झुककर प्रणाम करते हैं, माता को, पिता को, गुरु को, बड़े भाई को, आपके अध्यापक को, तो आप ध्यान से लीजिए कि कितना आपके शरीर में कितना आनंद आता है। शरीर में नौ द्वार हैं, सात चक्र हैं, नौ ग्रह हैं ज्योतिष शास्त्र में, 27 नक्षत्र हैं, 9 दिया 27, ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही सुंदर भगवान ने बनाया। हमारे पूर्वज ऋषि विभु और ऋषि कश्यप और रावण संहिता, ये जो संहिता लिखी गई है बहुत ही रहस्यमय है। हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ो तो इसमें कम से कम 100 धर्म निकले। इन ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे आपके शरीर के ऊपर हजारों लाखों ऐसे श्लोक हैं कि अगर आप मंत्र पढ़ के ध्यान मस्त होकर मुद्राओं का ज्ञान ले, ये हाथ क्या है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, ये हाथ में ही पंचभूत है, तो इन्हीं के माध्यम से आपकी 80% बीमारियां दूर हो सकती हैं। और मन को सकारात्मक रखने से ही गुरु मिलता है। और गुरु को बाहर मत ढूंढिए, गुरु को मन के भीतर ढूंढिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये बात सत्य है, पर गुरु ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो आपको, देखिए एक बहुत सिंपल लोग हमारे जीवन, हमारे देश में 70% ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जिनके पास आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। वो आंखें बंद करके किसी को भी गुरु मान लेते हैं, मगर जो गुरु उनकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं उनका हाल क्या होता है, ये कुछ लोग, कुछ गुरु जेलों में बैठे हुए हैं और कुछ गुरु की बारी आई हुई है। हमारे बीच में एक ऐसे हमारे शिष्य आए हुए हैं जो पूरे परिवार से भीड़ से आए हुए, ठीक है, उनका नाम है दुर्गा बड़े। वो आइए दुर्गा जी, दर ये इतने सरल हैं कि इनको मीडिया वालों ने पूछा, बैठिए, इनको मीडिया वाले ने पूछा कि आप इतनी दूर से आते हो, पंडित जी तो बहुत महंगे हैं। तो इन्होंने बहुत ही विचित्र सा जवाब दिया कि माधे में ना पैसे देते हैं, मतलब देता आपके पैसे ये बोलते, ये भीड़ से आए पूरे परिवार के साथ, पूरा परिवार इधर आगे इधर है, ये पूरा परिवार हर 3 महीने में 6 छतरी मानस रहे, ये इनकी विद्या है श्रद्धा, इनकी वाहवाही पर कल रात से चले, और इनकी आस्था मेरे लिए, इनकी आस्था ही भगवान है।
मैं इस काबिल भी नहीं मानता हूँ अपने आप को कि मैं इनकी मगर इनकी आस्था अगर मैं कल को इनकी आस्था की अवहेलना कर लेता हूँ या मैं इनके प्रति किसी तरह का मैं इनसे पैसे लेते नहीं डरता हूँ इनके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें भगवान बैठा हुआ है। मेरी श्रद्धा में पैसा सब कुछ होता ही नहीं है, जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो गुरु जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं वो व्यसनों में पड़ जाते हैं। भाई इतना धन मोहे दीजिए जामे कुटुंब में समाये, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा साधन भूखा जाए। साधन हमारे पास में शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी है, हम काम करके अपना, और मगर ये आस्था का खेल है, ये प्रेम का खेल है। जिन प्रेम की ओर तिन्हीं प्रभु पायो, जिसने प्रेम नहीं किया वो कभी भगवान को नहीं पा सकता। जितने लोग आप टेलीविजन चैनलों के ऊपर भाषण देते हुए धर्म को बेचते हुए देखते हैं उनमें से 95% आडंबर है, धंधा बना के रखा हुआ। चमत्कार के पीछे जिस दिन आप चाहेंगे आप धोखा खाएंगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। यहाँ तो कला विज्ञान 27 नक्षत्र 9 ग्रह 12 राशियां एक एक चीज संपर्क की हुई है हजारों लाखों सब सुख से लेके अब तक। मोहित जी हमारे पास में बड़े सालों से आते हैं, डॉक्टर अभी यहाँ तीन चार डॉक्टर भी बैठी हुई है, नाम नहीं है डॉक्टर का, और प्रभु की कृपा से सब एक पता है कि यहाँ पे 1+1=2 कहेंगे, 1+1=20 नहीं कहने वाले, जो है सो सामने है भाई, तू अच्छा लगे बुरा लगे। बड़े बड़े नेता आते हैं बोल देते हैं कि हार जाओगे तुम, उनको बोल देते हैं हार जाओगे तुम, गुस्सा करते हैं, फिर हारने के बाद आते हैं कि सर आगे क्या करें। तो बहुत प्रभु कृपा है, इसलिए इस प्रभु कृपा, ये प्रभु कृपा तभी आती है जब आपके अंदर सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, आप उनके चरणों के साथ लगे होते हैं, समझे ना। सूरदास, सूरदास जी का नाम तो सबने सुना होगा, प्रभु सूरदास प्रज्ञा चक्षु थे, आंखें नहीं थी, तो प्रभु सूरदास आंखें जब नहीं थी तो भगवान कृष्ण ने उनको आके बोला कि क्या चाहिए तुमको, तुम एक काम करो, एक बार मुझे देखने की आशीर्वाद दे। तो प्रभु ने एक आंखों के ऊपर हाथ फेरा, आंखें देखने लग जाती हैं, प्रभु के दर्शन करके उसी वक्त बोलते हैं ये इसी तरह आंखें बंद कर दो। बोले भाई क्यों, बोले इसलिए कि मैं अब इसके बाद किसी को नहीं देखना चाहता हूं। तो वो उसी को अंदर ही समा लिया, आंखें बंद कर ली। उसके बाद बीमार पड़ने के बाद मैं प्रभु को पूछा, प्रभु सेवा करने आ जाते हैं हम, सूरदास के रास्ते अभी को बोले भाई तुम कौन हो मेरी सेवा कर रहा। तो प्रभु पूछते हैं कि भाई तुम तेरे अभी दिन नजदीक आ गए हैं तो तू क्या क्या चाहते। बोला मेरी इच्छा है कि मैंने 1,00,000 दोहे लेने हैं। सूरदास जी के दोहे बहुत मशहूर हैं, सूरदास मीना रक्स करस खान, उनके दोहे बहुत ही प्रसिद्ध। तो बोले मैंने 1,00,000 दोहे लिखे हैं, 25,00,000 दोहे और लिखने की, 1,25,00,000 दोहे लिखने की इच्छा है मेरी। तो भगवान ने बोला तथास्तु। आपको आश्चर्य होगा जब आप सूर सागर उनका ग्रंथ पढ़ते हैं तो 1,00,000 दोहे पे लिखा है सूर कहते हैं, और 25,000 दोहे जो ऐड हुए उसमें लिखा है सूर श्याम कहते हैं। तो मेरे श्याम के लिए भी जोरदार तालियां मार। हमारे जल्दी जी भी, बीना जी भी आए हुए हैं, ऑपरेशन ठीक हो गया बेटे, सब कुशल मंगल है क्या। तो इसलिए अभी हमारे ऋषिकेश जी कुछ आपसे 2 मिनट के लिए बात करेगा। तो ये आस्था के प्रति लोग हैं, इनसे किसी तरह भी बेईमानी करके नरक में जा रहे हैं। ऐसे हजारों लोग गांव गांव से, उस्मानाबाद भीड़ जलगांव कलम लातूर कितनी दूर दूर से आते हैं, और उनकी उनका प्रेम उनकी भक्ति साईं के प्रति ज्यादा मैं मानता हूँ। मैं बोलता हूँ साईं इनके इनको सही मार्गदर्शन देना चाहिए, मैंने कि बेटा ये मत करो ये करो। तो ये सब आते हैं, इनका प्रेम बना हुआ है। एक और बात है कि अभी हमारी संगीता ने सब आपको बहुत सुंदर सुंदर भजन सुना रही थी मंडली के साथ, हमेशा इनका ये प्रेम है कि यहाँ आकर भजन गाती हैं,
और उसके बाद भजन भी सुनते रहिए, और भोजन का मतलब महाभोज भंडारे का भी व्यवस्था हुई हुई है। और आप जब श्री चरणों में बैठते हैं, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जब मंदिर जाते हैं तो आधा घंटा घंटा बैठो, ये नहीं कि गए और टीका लगाया और भाग लिए। यहाँ जब भी आप जाते हैं तो आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अरमानी का जूता खरीदा है, कहीं कोई उठा के ना ले जाए। तो ध्यान रखना जरूरी है कि आप जब किसी भी जगह किसी भी काम में, चाहे मंदिर जाओ, चाहे अपने कार्य में जाओ, चाहे मैं परीक्षण करता हूँ, आप शेयर मार्केट करते हैं, आप डॉक्टर हैं, कोई भी कार्य जब आप मन से करते हैं तो उसमें परिपक्वता आती ही आती है। आप उस परिपक्वता को भगवान अपने आप आपको देता है कि अरे भाई ये आदमी इतने सालों से यही काम कर रहा है, आप आज इसको आशीर्वाद दे दो। तो वो आशीर्वाद जब मिल जाता है आपको, फिर आप विश्व के विश्व गुरु, विश्व विख्यात डॉक्टर, इंजीनियर सब बन जाते हैं।